डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे थर्मामीटर के बारे में। सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ए थर्मामीटर। ए थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। थर्मामीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इन जनरल थर्मामीटर दो तरह का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वो हो सकता है सॉलिड या लिक्विड या गैस। लेकिन ये लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स यूज डॉक्टर्स करते हैं या अदर पर्सन कर सकते हैं, और लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है इसे हम यूज करते हैं लेबोरेटरी या इंडस्ट्री और होम पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी, इन द इंडस्ट्री और इन द होम ऑल्सो। अभी हम देखेंगे ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है। इन जनरल लेबोरेटरी थर्मामीटर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज होता है। एक होता है -10 डिग्री से शुरू होता है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड में खत्म होता है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एंड्स ऑन 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम ये लेबोरेटरी थर्मामीटर देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है और इसका रेंज क्या है। तो अगर हम फोकस सबसे पहले ये थर्मामीटर का हम पार्ट्स देखते हैं क्या क्या पार्ट्स है। यहाँ 3 पार्ट्स है। यहाँ पर देखिए एक बल्ब है, यहाँ पर मरकरी है और ये एक कैपिलरी है जो कैपिलरी से मरकरी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और यहाँ पर एक स्केल है, यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई भी किंक नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी किंक नहीं है। तो अगर हम कोई भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं तो ये बहुत जल्दी जो मरकरी है नीचे चला आता है, क्योंकि यहाँ पर किंक नहीं है, हम बहुत जल्दी मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मरकरी हम पानी में डुबोते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो मेजरमेंट हमको पानी में डालने के बाद ही मेजरमेंट हमें लेना पड़ेगा। अगर हम डाली पानी से अगर निकाल देते हैं तो ये मरकरी धीरे 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 नीचे चला आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किंक नहीं है। अभी हम ये थर्मामीटर का रेंज देखेंगे। देखिए ये थर्मामीटर में रेंज है 0 से शुरू होता है, देखिए यहाँ पर 0 राइट, उसके बाद है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थर्मामीटर से हम कोई भी चीज़ का मेजर टेम्परेचर 0 डिग्री से 360 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदर मेजर कर सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर मैंने पहले बताया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर डिफरेंट रेंज का होता है। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका रेंज है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ जो लेबोरेटरी थर्मामीटर मैंने दिखाया वो शुरू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एंड होता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम देखेंगे कि ये जो थर्मामीटर है इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहले इसका हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। सबसे स्मॉलेस्ट डिविजन होता है उसका मेजरमेंट ही लिस्ट काउंट होता है। तो हम सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री और 20 डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे कि कितना डिवीजन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं 0 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिविजन्स हैं। तो इसे हम पता चलता है कि 10 डिवीजन इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है।
वन डिवीजन में कितना हुआ 20/10 यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि एक डिवीजन का वैल्यू है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी हम ये बहुत अच्छे से तरह से हम इसका कोई भी चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम मेजर करना चाहते हैं तो देखेंगे मेरा मेजरमेंट कितना है। यहाँ पर देखिए मरकरी, यहाँ पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे तरह से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, देखिए हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना मेजरमेंट है यहाँ तक है, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो इधर 0 है 20 है और कितना डिवीजन है 1 2 3 4 5 डिवीजन है। तो एक एक डिवीजन का 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट मीन 5 × 2 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अभी ये जो थर्मोमीटर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम जानेंगे क्या सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल में कोई रिलेशन है। हाँ है, जैसे द रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल इज C/5 = F − 32/9, जहाँ C सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट करता है और F फारेनहाइट स्केल रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हम आपके हम ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जान चुके हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का भी डिफरेंट रेंज का थर्मोमीटर होता है, एक रेंज होता है, एक थर्मोमीटर होता है जिसका रेंज होता है −10 °C to 110 °C, और ये जो मैंने थर्मोमीटर दिखाया इसका रेंज है 0 °C to 360 °C। ठीक है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम कहाँ यूज करते हैं, पहले भी बताया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है इंडस्ट्री में होता है और लेबोरेटरी में होता है और होम पर्पज में भी हम यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर छोड़ के और भी अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आइदर इन द लेबोरेटरी और इन द इंडस्ट्री और फॉर और इन होम ऑल्सो। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज ओनली बाई डॉक्टर्स और बाई एनी अदर पर्सन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी हम जानेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.9 °C और 37 °C। एंड द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज 98.4 °F। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।